एवरी वन वेलकम बैक टू दी जीएसटी पेपर सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड हमने पिछले सेशन में टू सी और टू डी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे अब हम देखेंगे थ्री बी और थ्री सी एक ही क्वेश्चन है तो थ्री बी और थ्री सी इसमें सॉल्व कर लेंगे बिकॉज थ्री बी काफी छोटा क्वेश्चन है थ्री बी जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या है आ, ये जो है आपका ये क्वेश्चन होता है प्लेस ऑफ सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई में हमें बहुत ही सिंपल हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं एंड उस पॉइंट्स के बेसिस पे हमें प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है वो लिखना होता है बहुत ही सिंपल चीज़ है डोंट गेट कन्फ्यूज बाय दिस पॉइंट्स एकदम सिंपल डिस्कशन करेंगे ताकि ओवरऑल ये भी लेवल आपका जो है वो क्लियर हो पाएगा लेट अस रीड वन बाय वन एंड देन वी कैन डिसाइड अबाउट व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री भी ये दस मार्क्स के लिए पूछा था पाँच पॉइंट है मतलब हर पॉइंट आपका दो मार्क्स के लिए रहेगा देखो क्वेश्चन कैसे था डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस विद रीजन तो आपको यहां पे रीजन भी देने हैं मतलब आपका रीजन एक मार्क के लिए है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का जो आंसर है वो एक मार्क के लिए है बहुत सिंपल है तो मिस्टर अरबाज जो है ही इज एन इंजीनियर ऑफ दिल्ली हु गिव्स द सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन मेक्सिको ठीक है बहुत सिंपल तो आपको करना क्या है देखो अरबाज किधर का है अरबाज दिल्ली का है और वो अपने सर्विसेज दे रहा है मेक्सिको में मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज दे रहा है बहुत सिंपल है अगर कोई इंडिया का बंदा अगर कोई इंडिया का पर्सन फॉरेन में अपनी सर्विसेज देता होगा तो वो इंडिया का पर्सन जो है वो उसका ओवरऑल रेसिडेंट किधर का है वो कहाँ पे रहता है वो जहाँ पे भी रजिस्टर्ड होगा जहाँ पे भी रेसिडेंट होगा उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे तो आपको इसमें लिखना कैसे है प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली बिकॉज इन केस ऑफ अ पर्सन रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड हुई सर्विस आपका दिल्ली तो so, दिल्ली विल बी द राइट एंसर फॉर दिस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में और जैसे मैंने वर्डिंग्स आपको बताया ऐसा नहीं कि वैसे के वैसे वर्डिंग्स लिखने हैं लेकिन रीजन पूछा है तो रीजन आपको लिखना पड़ेगा मिस्टर श्रीमांत अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ झारखंड सेंड्स गुड्स थ्रू कुरियर टू वन वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इन धाराशिव ठीक है काफ़ी सिंपल है देखो अभी ये जो पॉइंट नंबर टू है इसमें झारखंड भी इंडिया है और धाराशिव भी इंडिया ही है तो बेसिकली ऐसे केस में आपको क्या करना है अगर आप गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे भेज रहे हो तो गुड्स के लिए आपको याद क्या रखना है गुड्स समझो मैंने मुंबई से भेज दिया दिल्ली में तो मुंबई से गुड्स गया दिल्ली गया तो दिल्ली उसका डेस्टिनेशन है तो इसके लिए आपको ऐसे केस में याद रखना है कि जहां पे गुड्स जाके हम डिलीवर कर रहे हैं डेस्टिनेशन किधर है इसका तो श्रीमंत नाम का एक रजिस्टर्ड पर्सन है झारखंड का वो अपने फ्रेंड को कुरियर से गुड्स भेज रहा है धाराशिव में तो आपका इधर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा धाराशिव बनेगा बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई धाराशिव इसीलिए है कि गुड्स वन प्लेस से दूसरे जगह पे जा रहा है तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई दैट विल बी द रीजन फॉर दिस नेक्स्ट है मिस्टर काशीनाथ रेसिडेंट ऑफ कांदीविली टेक्स लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन फ्रॉम अ कंपनी बेस इन दिल्ली एक कंपनी है दिल्ली की और वो मिस्टर काशीनाथ को कांदिवली का रेसिडेंट है उसको एक लैंडलाइन फोन डिलीवर कर रहा है तो लैंडलाइन फोन दिल्ली से कहाँ आ रहा है कांदिवली आ रहा है बराबर इंस्टॉलेशन उसका कहाँ होगा कांदिवली में होगा तो सिंपल लॉजिक इसका राइट right आंसर आपका बनेगा इसका राइट right आंसर बनेगा द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कांदिवली बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई कांदिवली इसलिए है बिकॉज वो जो गुड्स है वहीं पे इंस्टॉल्ड होने वाले हैं पॉइंट नंबर फोर्थ में जाते हैं टी आई डबल एस कंपनी ऑफ इंस्टीट्यूट इन मुंबई टू ट्रेन देयर एम्प्लॉयज द ट्रेनिंग वॉज गिवन टू एम्प्लॉयज इन बैंगलोर अभी ध्यान रखना टी आई एस एस कंपनी है पुणे की उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मुंबई का देखो तीन तीन प्लेस है कंफ्यूजिंग है टी नाम की एक कंपनी है पुणे की उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मुंबई की कंपनी के साथ और वो ट्रेनिंग किस लिए थी वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने वाले थे लेकिन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग जाके दिया बैंगलोर में तो ऐसे केस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुणे की कंपनी मुंबई वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया और बैंगलोर में जाके ट्रेनिंग दिया तो बैंगलोर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बिल्कुल नहीं बैंगलोर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है पुणे की कंपनी है तो पुणे की कंपनी अगर मुंबई के कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो जाके बैंगलोर में जाके ट्रेनिंग दे रहा है तो बैंगलोर का कुछ लेना देना ही नहीं है कंपनी है पुणे की मतलब इसका राइट आंसर आपका बनेगा पुणे तो पुणे विल बी द राइट आंसर फॉर पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट नंबर फाइव देखते हैं मै साधना ऑफ जयपुर नॉट हैविंग बैंक अकाउंट इन कोचिन टेक्स अ डिमांड फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ कोचिन फॉर पर्पज ऑफ एजुकेशन देखो ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन आता है नाम में सब जगह पे कोचिन कोचिन है दूसरे प्लेसेस आए ही नहीं है तो इसका तो आंसर कोई भी दे सकता है तो राइट right आंसर इसका क्या बनेगा कोचिन बनेगा तो कोचिन इसलिए बनेगा बिकॉज वो पर्सन बी पर्सन जो है वो कोचिन की है और अगर हम बैंक अकाउंट उसका कोचिंग का है लेकिन वो साधना किधर की, की है जयपुर की है नॉट हैविंग बैंक अकाउंट इन कोचिन टेक्स अ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ कोचिन फॉर पर्पज ऑफ एजुकेशन तो उसने डिमांड ड्राफ्ट कहाँ से लिया है डिमांड ड्राफ्ट उसने कोचिंग से लिया है ठीक है तो कोचिंग से डिमांड ड्राफ्ट लिया है तो वो जो पर्पज ऑफ एजुकेशन के लिए उसने कोचिंग से डिमांड ड्राफ्ट लिया तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कोचिंग बनेगा वो रहती किधर है साधना जयपुर की है तो जयपुर नहीं बनेगा तो ध्यान से ऐसे केस में आपको ये याद रखना है कि जहां से हम सर्विसेस ले रहे हैं वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा तो दिस विल बी द क्वेश्चन वी हैव डन विथ तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री बी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सी में क्वेश्चन नंबर थ्री सी और इसके पहले भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे देखो कैसे है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द नेट जीएसटी एस लाइबिलिटी मे सीमा रजिस्टर्ड डीलर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2002. वी हैव आईजीएसटी का बैलेंस सीजीएसटी का बैलेंस एंड एच का बैलेंस तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था रूल ये है कि अगर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में गुड्स बनाएगा तो सी जी एस टी और एच जी एस टी भरना पड़ेगा और अगर महाराष्ट्र से किसी और गुड्स और स्टेट में जाके गुड्स बेच देगा तो हमें आई uh, भरना पड़ेगा तो ऐसे केस में मैंने आपको सिखाया था जो भी पॉइंट्स में सोल्ड गुड्स या प्रोवाइडेड सर्विसेज है वो एक साथ लेना है तो हम ये एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा और ये चौथा चार पॉइंट हमारे सेल से रिलेटेड है और ये जो पॉइंट है मैं इसको कलर अलग से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली exactly. तो ये जो हमारा पॉइंट है परचेज वाला और ये अवेल्ड सर्विसेज तो परचेज और अवेल्ड सर्विसेज ये हम अलग से लेंगे और सोल्ड गुड्स सोल्ड गुड्स ये हम अलग से लेने वाले हैं तो दैट विल बी द पॉइंट तो एक एक पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं फिर सीधा आंसर में जाएंगे काफी सिंपल है आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं पहले महाराष्ट्र है ये मैसूर दिया है मैसूर महाराष्ट्र में नहीं आता है मतलब कौन सा टैक्स लगेगा आईजीएसटी लगेगा ठीक है कौन सा लगेगा आईजीएसटी लगेगा पुणे पुणे महाराष्ट्र में आता है मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कलवा कलवा महाराष्ट्र में आता है मतलब सी जी एस टी एस जी एस टी लगेगा वलसाड़ गुजरात में आता है मतलब कौन सा लगेगा आई जी एस टी लगेगा ठीक है आई जी एस टी लगेगा कराड़ाड़ महाराष्ट्र में आता है मतलब कौन सा सी जी एस टी एस जी एस टी लगेगा बैंगलोर बैंगलोर बाहर की कंट्री है सॉरी बाहर का स्टेट है तो अगर बैंगलोर महाराष्ट्र में नहीं आता है तो क्या लगेगा आई जी एस टी लगेगा सीधा अभी जाते हैं आंसर पे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है सबसे पहले हमको सोल्ड वाले पॉइंट लिखने हैं तो यहाँ पे वर्डिंग लिखा है सोल्ड वाले पॉइंट का सोल्ड वाला पॉइंट है फाइव uh, परसेंट मैंने आपको बोला था देखो मैसूर बाहर का है स्टेट तो महाराष्ट्र में नहीं आता आई जी लगेगा पुणे सी और एस जी वलसाड़ जो है आईजीएसटी लगेगा परसेंटेज जो दिया है वो अमाउंट पे कैलकुलेट करना है कराड़ महाराष्ट्र में आता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा देन वी हैव टू टेक द टोटल तो सीजीएसटी कॉलम का टोटल है सेवेंटी एस जी एस टी कॉलम का टोटल है अगेन सेम सेवेंटी नाइन फाइव हंड्रेड एंड आई जी एस टी कॉलम का टोटल है फोर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया इसको हम लिख सकते हैं टोटल टैक्स ऑन सेल्स टोटल जीएसटी एस पेएबल इसमें से हमें जो परचेज़ वाले हमने डिस्कस किए थे परचेज़ वाले क्या करने आपको माइनस करने हैं परचेज वालों को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कलवा कलवा जो है मुंबई में है मुंबरा कलवा दीवा थाने वो साइड में तो अगर हम वहाँ पे देखें तो महाराष्ट्र में आता है इसलिए सी जी एस टी सी जी एस सी जी एस टी जी एस टी महाराष्ट्र में नहीं आता इसलिए आई फिर इसका टोटल किया थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड दिस इज योर पॉइंट नंबर बी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल टैक्स ऑन परचेजेस उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कह सकते हैं उसके बाद आपको करना क्या है सिंपल लॉजिक है ए और बी जो है ए और बी जो है फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ओपनिंग बैलेंस दिया है आप क्या करना ए माइनस बी माइनस ओपनिंग बैलेंस सीधा लिख सकते हम लोग तो ए लिखेंगे सेवेंटी नाइन फाइव हंड्रेड बी लिखेंगे थ्री थाउजेंड माइनस ओपनिंग बैलेंस तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड आपका क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट का आंसर है तो ओवरऑल ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे किया है ओपनिंग बैलेंस में ये जो थ्री थाउजेंड प्लस कर दिया तो अठारह हजार है आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा सिंपल है ए माइनस बी करना है और उसमें उसके बाद माइनस ओपनिंग बैलेंस भी कर देना है तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा सिक्सटी वन फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन फाइव हंड्रेड टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दिस विल बी योर नेट जीएसटी लाइबिलिटी पिछले क्वेश्चंस में हमने सीखा था कि अगर ये आईजीएसटी का बैलेंस नेगेटिव आता है या आईजीएसटी का बैलेंस जो रहता है वो अगर नेगेटिव है तो हम उसको क्या करते हैं आईजीएसटी पॉजिटिव था और एसजीएसटी सीजीएसटी नेगेटिव आता है तो हम आईजीएसटी के वैल्यू को सीजीएसटी के वैल्यू के साथ क्रेडिट जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं तो दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व इसी तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे सारा पेपर सॉल्व करने वाला हूँ तो अकॉर्डिंगली अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज ऐसे ही लास्ट मिनट रिवीजन भरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियोस हेल्पफुल है अगर आप टीवाई के भी स्टूडेंट हो तभी भी आपको ये वीडियोज जो है वो हेल्पफुल होने वाले हैं और जीएसटी का कंप्लीट कोर्स जो है वो ऐप के अंदर अवेलेबल है वो जाके आप चेक कर सकते हैं लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम का ऐप अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है थैंक यू वेरी मच मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर